हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज देखिए, मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत ये पुरानी साड़ियों से दो कलर की साड़ी मैंने यहाँ पे यूज़ की, एक रेड और एक ग्रीन। इससे मैंने देखिए आप लोग को पैर पोछने का डोरमेट बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे पांच फंदे डाले हैं। पांच फंदे लेने के बाद आप तीन फंदे से भी शुरू कर सकते हैं। पांच फंदे से यहाँ पे मैंने 6 नंबर की मोटी वाली सिलाई ली है। तो अब देखिए, यहाँ पे हमने पांच फंदे डालने के बाद एक सलाई हम सादा बनाएंगे। ये देखिए, फंदा डालने के बाद हमने एक सिलाई सादा बना लेना है। फर्स्ट रो थोड़ा डिफिकल्ट होता है फ्रेंड्स, इसलिए हम बेसिक रो यहाँ पे बना के फिर डिजाइन हम अपना शुरू करेंगे। तो देखिए, इसको हमने बना लिया है। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड से एक एक फंदे हमने बढ़ाने हैं। इस साइड से भी एक फंदे हमने बढ़ा लिया। फिर इसको हम बुनेंगे। इस साइड से हमने ये फंदे बढ़ाते ही जाना है, दोनों साइड से एक एक फंदे। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बढ़ाते बढ़ाते टोटल हमारे 20 फंदे हो गए, यानी 5 से हमने 20 फंदे तक बढ़ाया है। और एक चीज़ फ्रेंड्स, अगर आप लोग फुल साइज़ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे 50 फंदे तक बढ़ा सकते हैं। जब आपका 50 फंदा बढ़ जाए, यानी 5 फंदे से स्टार्ट करके 50 फंदे तक हो जाए, उसके बाद देखिए हम सेकेंड कलर यहाँ पे जोड़ेंगे। पीछे की साइड से हम सेकेंड कलर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे एक हम नॉट लगा लेंगे। नॉट लगाने से क्या होता है फ्रेंड्स, ये पक्का हो जाता है, फिर चाहे हम धुले कुछ भी करें तो ये निकलता नहीं है। देखिए यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया। पीछे की साइड से अब हम एक सिलाई बुनेंगे सादा। अभी हम फंदे को कुछ नहीं करना है, एक सिलाई हम सादा बुन के आगे की साइड आएंगे। तो इसको उल्टा उल्टा हम बुन के आगे की साइड आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम आगे की साइड आ गए बना के। अब आगे की साइड से हम दोनों साइड से दो फंदों का एक करेंगे, यानी हम फंदे अब घटा रहे हैं। जैसे अभी हमने एक फंदों का दो किया था, बढ़ा रहे थे, अब हम फंदे को घटा रहे हैं। तो यहाँ पे हम दो फंदे का एक करेंगे दोनों साइड से। ये हमने तब तक करना जब तक हमारे टोटल 5 फंदे ना बन जाए। तो ये हमारी बहुत ही खूबसूरत, मैं ये आप लोग को छोटा सा बना के दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। आप लोग इसको, जब मैंने 20 फंदे तक बढ़ाया है, तो आप 50 फंदे तक बढ़ा के फिर आपका मीडियम साइज़ का हो जाएगा। अगर और बड़ा बनाना चाहते हैं तो 60-70 फंदे बढ़ा के फिर आप बना सकते हैं। तो देखिए, इसको ऐसे बनाएंगे और फिर हम इस साइड से भी दो का एक करेंगे। ये देखिए, और फिर हम इस साइड से अब दो का एक करेंगे। ये देखिए, अब दो फंदों का एक करेंगे। फिर अब हम यही करेंगे, दोनों साइड से दो दो फंदों का एक करते हुए, जब तक हमारे 5 फंदे ना बचे। तो चलिए हम बनाते हैं फिर। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम घटाते घटाते हमारा यहाँ तक 5 फंदों पे आ गए। तो देखिए कितनी खूबसूरत ये डिज़ाइन है, ये काइट की तरह पूरी डिज़ाइन बनकर आती है। जो इसको आप बड़ा भी बना सकते हैं, और ये छोटा मैंने प्रोजेक्ट में बना के दिखाया है। आप बड़ी साइज़ का मैंने आप लोग को मेजरमेंट भी बता दिया। 5 फंदे से स्टार्ट करके आपने 50 फंदे तक इसको बढ़ा लेना है, फिर दोनों साइड से एक एक फंदे बढ़ाते घटाते घटाते 5 फंदों पे आ जाए। तो इन फंदों को अब हम बंद कर लेंगे। तो देखिए कितनी खूबसूरत ये बनकर आई है, कितना ईजी है, कितने जल्दी भी बन जाता है। आप चाहें तो सिंगल कलर में बना सकते हैं, या तो मल्टी कलर में। इसे ऊन से भी बनाया जा सकता है, पुराने दुपट्टे, टी शर्ट, किसी से भी आप बना सकते हैं।
तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।